MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसका नाम आपने सुना होगा। बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है जो कि बहुत लंबे समय से ट्रेडर्स यूज़ कर रहे हैं। इसका एक अपडेटेड वर्जन मार्केट में है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। उसमें कुछ एडवांस फीचर दिए हुए, क्योंकि डे बाय डे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ना इंडिकेटर में ऐसा हो। तो मैकडी जो कि बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है, और उसी का एक अपडेटेड वर्जन मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि कुछ इस तरह से है। कौन सा इंडिकेटर ये है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में, और ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिसे, यानी जो फीचर्स इसको नॉर्मल मैकडी से अच्छा बनाते हैं। ठीक है, सो इसमें जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने रेगुलर ट्रेड में किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो पुराना वाला मैकडी है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा, मैकडी एग्जैक्टली है क्या, कैसी कैलकुलेशन है और किस तरह से काम करता है, तो उसका एक वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, चार मेजर कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला हमारे पास ये बीच में ये कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये है हिस्टोग्राम जो कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखाता है प्राइस का या वॉल्यूम का। और इसके अलावा दो लाइंस हमें यहाँ पे दिख रही हैं, इसमें से जो फास्ट मूविंग लाइन है यानी जो ब्लू वाली है, वह है MACD मैकडी लाइन, और दूसरी है ऑरेंज कलर की सिग्नल लाइन। तो नॉर्मली होता क्या है, जब भी ये क्रॉस ओवर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ कुछ इस तरह से, यहां पर ब्लू लाइन नीचे आई ऑरेंज लाइन के, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेंटिमेंट जो है बैरिश यहां पर दिखे और यहां से कहीं ना कहीं प्राइस डाउनवर्ड आया। ठीक है, तो ये है नॉर्मल मैग्डी को इस्तेमाल करने की सिंपल स्ट्रैटेजी है। और ऐसे ही यहां पर देखिए एक क्रॉसओवर होता है यहां पर भी इस एरिया में, जैसे ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के नीचे आती है यानी रिवर्स होता है, तो कहीं ना कहीं एक अपवर्ड डायरेक्शन में हमें प्राइस मूव होते हुए दिखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है और इसकी जो विनिंग परसेंटेज यानी जो विन रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि जो मैकडी इंडिकेटर है, ये क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी है, ये केवल आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही प्रॉफिटेबल बना सकता है। अब अगर ऐसे ही देखा जाए, यहाँ पर एक ऐसे मार्केट में जिगजैग जहाँ हो रही, या फिर एक ऐसी मार्केट जहाँ पर प्राइस का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, साइडवेज मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि 60-70% मार्केट जो है साइडवेज चलती है, तो इस सिचुएशन में आपका जो अकाउंट है, अगर आप क्रॉस ओवर पर कहीं भी ट्रेड करेंगे ना, तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, कोई भी मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा और यही आपके अकाउंट को खाली कर देता है। सो इट्स बेटर, हमारे पास एक नया अपडेटेड वर्जन है इसका, जो आपको जो साइडवेज मार्केट है इसको आइडेंटिफाई करने में आपको जो है हेल्प करेगा। तो उसका नाम है इम्पल्स मैकडी। अब मैं इसको हटाता हूँ अपने नॉर्मल मैकडी को समय, उससे पहले मैं आपको वो ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का मैकडी है ये। इंडिकेटर में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे इम्पल्स, तो पहला यहां पर आपको दिख रहा है इम्पल्स मैकडी, और इसका ऑथर है लेजी बियर। इसको अब ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, जहां पर नॉर्मल मैकडी आपको जिगजैग दिखाता है ऊपर नीचे, यहां पर देखिए कुछ इस एरिया में क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो वहीं पर ये मैकडी क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। मतलब साइडवेज मार्केट को पूरा आपके सामने इसने फ्लैट कर दिया। जब थोड़ा सा मूव यहां पर देखा, तब जाके यहां पर हल्का सा मूव देखा। इस पूरे एरिया को जहां पर नॉर्मल मैकडी जीरो लाइन से ऊपर क्रॉसओवर दे रहा था, यहां पर देखिए हम यहीं पर फंसते हैं। तो ये जो नया वाला मैकडी है, यहां पर आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि साइडवेज मार्केट कहां पर है। ठीक है, तो अभी इसकी स्ट्रैटेजी सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे देखने में, क्योंकि अभी फिलहाल मैकडी की तरह ये दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें एक ही लाइन है। तो सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर जो ये पहला वाला यहाँ पर हिस्टोग्राम दिख रहा है, इसको आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और बाकी कलर्स में जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ वही सेलेक्ट कर लीजिए।
एक और हम चेंजेस यहाँ पे करेंगे कि जो ये है हिस्टोग्राम, इसको हम कॉलम में लेके चलते हैं, तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऑलराइट, अब ये मैगडी आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर टू मैगडी नाउ, जो नॉर्मल मैगडी हमारे पास, इसमें भी हमारे पास दो लाइंस वैसी दिख रही हैं, जो फास्ट मूविंग लाइन है, दिस वन, ये है इम्पल्स मैगडी लाइन, और दूसरी ऑरेंज वाली जो है वो है सिग्नल लाइन। और इसका क्रॉसओवर आप वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं जैसे होता है नॉर्मली मैगडी में, और यहां पर है हिस्टोग्राम। अब देखिए इसमें ट्रेडिंग हम कर कैसे सकते हैं, दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। जो पहली स्ट्रैटेजी है वह है एक्सटेंडेड मार्केट में यूज करेंगे हम इसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन से ऊपर जो आसपास आपको दिख रहे हैं क्रॉसओवर, यहां पर हम अपना माउस लेके आएंगे और प्रेस करेंगे ऑल्ट एच, एक हॉरिजेंटल लाइन हमें मिल रही है यहां पर, और ऐसे ही नीचे हम आएंगे, यहां पर भी हम प्रेस करेंगे सेम वैसे ही ऑल्ट एच। तो हमने यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसको, लगभग सिमिलर साइज में हम इसको लेके आ जाते हैं, परफेक्ट। अब हमने ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का जो एरिया है वो यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया है। अब कैसे हमने ये आइडेंटिफाई करा, इसके लिए हम थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करते हैं। यहां पर आपको दो तरह के क्रॉसओवर दिख रहे हैं, पहला जो एक्सट्रीम लेवल के एक्सटेंडेड हैं जैसे ये है, दूसरा जो नॉर्मल है जो ये है, ये लेवल है। तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल जो सबसे ज्यादा आपको दिख रहे हैं उस लेवल के आसपास अपने हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पिक करेंगे, और सेम एज ही जो लोअर एरिया है जहां पर मैक्सिमम हमारे पास जो क्रॉसओवर दिख रहे हैं वहां पर। तो अब हमने जो है जो नॉर्मल कॉमन हमारे पास एरिया था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें चाहिए कुछ ऐसे जोन जो कि एक्सटेंडेड हो और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन में क्रॉसओवर दे हमें, जैसे ये एक सिचुएशन एग्जांपल है, यहां पर देखते हैं हम, यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऑलराइट। हमें वेट करना है ऐसे जोन का जहां प्राइस ओवरबॉट सिचुएशन को, यानी जो ओवरबॉट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको तोड़ के ऊपर जाए और हमें एक क्रॉसओवर दे, और इस सिचुएशन में हमारे पास क्रॉसओवर हो रहा है यहां पर। इस यहां पर हमारे पास क्रॉसओवर है, तो यहां पर हमारा होगा एक बाइंग सिग्नल। तो उसके लिए हम लेके चलते हैं, यहाँ पर हम एंट्री मारेंगे जो इनगोल्फिंग कैंडल है, और हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई से जस्ट ऊपर, और 1:1.5 का हमारा टारगेट होगा कुछ इस तरह से। और इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे में एक घंटे के चार्ट में बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। फिलहाल मेरे पास एक फ्री वर्जन है तो मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ, बट किसी भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। जो मैक्सिमम ट्रेड किया जाने वाला जो टाइम फ्रेम है वो एक घंटे और आधे घंटे का है, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। ये है एग्जांपल किस तरह से आपको ट्रेड बनानी है। और ऐसे एक बाय का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम वेट करेंगे प्राइस एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड हो, जैसे ये एक एरिया है, यहां पर प्राइस आप देख सकते हैं क्रॉसओवर होता है हमारे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे नीचे, तो हम वेट करेंगे क्रॉसओवर का। यहां पर इस कैंडल पर हमारा क्रॉसओवर हो रहा है कहीं पर, तो हमारी एंट्री यहां पर बन जाएगी कुछ इस तरह से, स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस और 1:1.5 का टारगेट, जो कि बहुत इजीली आप देख सकते हैं हिट हो रहा है। आई नो 100% एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी जो कि ट्रेडिंग में कभी मिलती ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखें तो आप अपने नॉर्मल मैगडी के कंपैरिजन में इससे आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करेंगे आपके रिजल्ट्स जो हैं उससे 3x ज़्यादा होते हैं। सो गाइस ये रही पहली स्ट्रैटेजी जिसमें हम प्राइस के एक्सटेंडेड होने का वेट करते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन का वेट करते हैं, और वहाँ पर हम
सिंपल क्रॉसओवर का वेट करते हैं और वहां पर एंट्री बनाते हैं। दूसरी, ये एक एडवांस स्ट्रेटजी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा प्राइस एक्शन को इसके साथ कंबाइन करते हैं। अब प्राइस एक्शन को कैसे कंबाइन करेंगे उसके लिए देखिए। अच्छा, इम्पल्स मैकडी की एक खासियत मैंने आपको बताई कि ये आपको साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे मार्केट साइडवेज चल रही है तो ये आपको फ्लैट सिग्नल देगा यहाँ पर, यानी जो दोनों लाइनें हैं वो फ्लैट हो जाएंगी। तो हमें वेट करना है सिग्नल लाइन और जो इम्पल्स मैकडी लाइन है इनके फ्लैट होने का। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है इसके बाद हमें कंबाइन करना है प्राइस एक्शन इसके साथ में। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, जब भी यहाँ पर ये एरिया था, यहाँ पर मार्केट सेम हाईज एंड सेम लोज बना रही थी, तो इस सिचुएशन में लाइन फ्लैट हो गई। अब जो यहाँ पर हिस्टोग्राम है वो हमारी हेल्प करता है एक बुलिश या बैरिश मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में। अब यहाँ पर देखिए, जैसी प्राइस डाउनवर्ड पुश होना स्टार्ट हुआ तो साथ साथ हमारा जो हिस्टोग्राम है वो भी डाउनवर्ड पुश होना स्टार्ट हुआ और एट द सेम टाइम हमें जो क्रॉसओवर है वो डाउनवर्ड दिखना स्टार्ट हुआ। जैसे ही अब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, जो ग्रीन कलर के जो हिस्टोग्राम है वो जीरो लाइन के नीचे बनने स्टार्ट होते हैं, पहला हिस्टोग्राम जो कि यहाँ पर कहीं बन रहा है, और यहीं पर हम इसको कंबाइन करेंगे हमारे ब्रेकआउट से। देखिए, ये एक एरिया था जो तीन बार टेस्ट हुआ है पास्ट में, 1, 2, 3। तो तीन बार टेस्ट होने के बाद फाइनली हमें एक ब्रेकआउट मिला है यहां पर, ये हमें ब्रेकआउट मिला है यहां पर, देख सकते हैं आप। तो परफेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या होता है, हम पुलबैक का वेट नहीं करते, डायरेक्टली हम सिंपल से जैसे ब्रेकआउट मिलते हैं हम वहीं पर एंट्री बना लेते हैं। अब देखिए, हमें पहला सिग्नल तो यहीं से मिल गया है कि प्राइस ब्रेकआउट मिल चुका है हमें और लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा था, और दूसरा हमें इम्पल्स मैकडी ने यहाँ पर जो हिस्टोग्राम है वो डाउनवर्ड बनाने स्टार्ट करे तो यहाँ पर हमारा इस कैंडल पर हमारी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा जो ये जोन है इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर। और क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि यहाँ पर कोई स्विंग नहीं होता। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बहुत प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसमें आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। यहाँ पर जब भी कोई ब्रेकआउट मिलता है इस तरह से, नॉर्मली वो 1:3 का टारगेट आपको देखी जाती है। लेट्स सी यहाँ पर कितना मिलता है आपको। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लगभग 1:3 के आसपास का टारगेट आपको फर्स्ट टाइम में ही दे रहा है, ऑल्दो उसके बाद पुल बैक आया है, लेकिन 1:2 भी आप सेट करते हैं तो स्टिल आप अच्छा खासे प्रॉफिट में रहते हैं। दो मार्केट 1:3 से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देके जाते इस सिचुएशन में। तो यह है एक फ्लैट जो मोमेंटम है उसको देखने का इंडिकेटर में। फ्लैट जब भी होता है इसका मतलब साइडवेज मार्केट है, और अब हमें वेट करना है किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट का, साथ में सिग्नल का जो मैकडी आपको देगा। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है ये भी, लेकिन आपको प्राइस एक्शन को पहले समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली है क्या। अगर आपने प्राइस एक्शन के वीडियोस नहीं देखे अभी तक, आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो वीडियोस हैं चैनल पर ऑलरेडी किस तरह से आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं चैनल पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। सो गाइज, ये रहा इम्पल्स मैकडी लेजी बियर की तरफ से, जो कि पुराने वाले मैकडी से काफ़ी अपडेटेड वर्जन है और सेम सेटिंग्स के साथ आप इस तरह की स्ट्रैटेजी में आप इसको यूज करें तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।